एबरफेल्डी मेरी चहेती सिंगल मॉल्ट में से एक है, और जिस विस्की की आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन भी एबरफेल्डी को माना जाता है। ड्यूअर्स की द मोनार्क काफ़ी सारे अवार्ड्स जीत चुकी है, हाल फिलहाल में भी उसको एज कैटेगरी ऑफ 15 में गोल्ड मेडल मिला था। मेरी एक्सपेक्टेशन मोनार्क से काफ़ी ज़्यादा है, आज का रिव्यू देखेंगे और जानेंगे कि मेरी अपेक्षाओं में खरी उतरती है कि नहीं। जब पिछले साल हमने वीडियो डाला था द सन एंड द मून ऑफ माई कैबिनेट, काफ़ी लोग निराश हुए, कह रहे थे कि आपने केस दिखाया, बॉटल दिखाया, बट पी नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की समीक्षा में हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लें और नोजिंग टेस्टिंग भी हो ही जाएगी। एकदम सॉलिड केस है, लिटरली सॉलिड केस है, जरा ये सुनिए। टिन से बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर केस, एम्बोसिंग कर रखी है, 15-15 साल लिखा हुआ है हर जगह पर। मेरी माने तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल केसेज दैट आई हैव सीन एंड अ सॉलिड केस टू। अगर आप इस केस को देखें तो यहाँ पर जो टोपी पे तीन नाम लिखे हुए हैं, पहला नाम है इनके पापा जी का जो है जॉन ड्यूअर, फिर दो बेटे अलेक्जेंडर ड्यूअर एंड टॉमी ड्यूअर। इन तीनों की कहानियाँ किससे भी बहुत दिलचस्प हैं, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा मैं आपको। अगर आप इस केस के सामने देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूअर्स द ट्रू स्कॉच, 15 साल तक एज्ड वाली विस्कियाँ हैं इसके अंदर, और इसका नाम है द मोनार्क ब्लेंडेड स्कॉच विस्की मेड स्पेशली फ्रॉम सिंगल मॉल्ट एंड सिंगल ग्रेन विस्की मैरिड इन ओक कास्क। ये बात आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये बार बार फिर से यही बोलते हैं, पूरी बॉटल में पूरे केस में यही बात बताई हुई है कि भैया सिंपल सी चीज़ है, 15 साल तक जो इन्होंने सिंगल मॉल्ट और सिंगल ग्रेन की विस्की है वो उसको लिया है, वो जो कास्क उन्होंने यूज़ किया वहाँ पर है बर्बन कास्क और शेरी कास्क, फिर उसको ब्लेंड किया गया है एंड फाइनली शादी के लिए इन्होंने उसको डाल दिया है ओक कास्क में तकरीबन 6 महीने के लिए। बताते नहीं है बट मैंने कहीं पढ़ा था कि 6 महीने तक इसको फिर मैच्योर किया जाता है फाइनली। तो नीचे भी वही सब बातें बता रहे हैं बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि इनको मिला हुआ है रॉयल वारंट, वही रॉयल वारंट जिसकी वजह से ये अपनी विस्की भेज पा रहे हैं रॉयल्टी को, और रॉयल्टी भी पीती है ये विस्की। और बताने लायक यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे सिग्नेचर है जॉन ड्यूअर का, 40% अल्कोहल पे है, 1 लीटर की बॉटल है। दोनों साइड में इन्होंने यहाँ पर जॉन ड्यूअर एंड सन्स एस्टैब्लिश, जॉन ड्यूअर एंड सन्स एस्टैब्लिश लिखा हुआ है, और पीछे अगर आप देखेंगे तो बताते हैं कि इसका नाम द मोनार्क क्यों पड़ा। सर एडविन लैंडसियर करके एक पेंटर थे, इंग्लिश पेंटर थे, उन्होंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई थी। एक पेंटिंग जिसका नाम था द मोनार्क ऑफ ग्लेन, उसको टॉमी ड्यूअर ने खरीदा था, उसी के डेडिकेशन पे इसका नाम रखा गया है। नीचे फिर से वही बात बता रहे हैं कि कौन सा कास्क यूज़ किया गया है, कौन सा ग्रेन यूज़ किया गया हुआ है, फिर बताते हैं कि इनकी फैमिली कहाँ पर आई और किस प्रकार जॉन ड्यूअर ने 40 सिंगल मॉल्ट सिंगल ग्रेन की विस्कियाँ बनाना शुरू किया और इंश्योर किया कि हर बार वही टेस्ट वही फ्लेवर आए। फिर बता रहे हैं कि रॉयल हाउस होल्ड को ये 100 साल से अपनी विस्की भेज रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्कॉटलैंड एंड दैट्स अबाउट दैट। इसका जो दाम है, मुझे एक्चुअली ये गिफ्ट में आई थी, तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं इसको मेरे कैबिनेट पे रखे हुए। उस समय ट्रैवल रिटेल में ये मिल रही थी 5,600 की, और आजकल ये मिलती है आई थिंक 4,700 के करीब ट्रैवल रिटेल में। एक बात बतानी थी आपको, आपको पता है कि ये विस्की जो है लॉन्च की गई थी एशियन मार्केट के लिए, और एशियन मार्केट में भी उन लोगों के लिए जिनको जो सारी दुनिया को अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जी हाँ, ये विस्की ओरिजिनली बनाई गई थी चाइनीज़ मार्केट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी बॉटल देखते हैं। थोड़ा ऐसा केस खोलने भी बड़ा परेशान करता है, काफ़ी टाइट रहता है। खुल गया, बॉटल को निकालते हैं। देखिए सर, ये है इसकी बॉटल, केस को थोड़ा परे करते हैं, बॉटल को पूरा देते हैं अटेंशन। ऑलराइट, जब आप इसकी बॉटल को देखें तो ये आती है हमारे एलिफेंट कैटेगरी में, काफ़ी मोटी तगड़ी बढ़िया बॉटल है इनकी, ऊपर बहुत बढ़िया गोल्ड का एक रिबन दिया हुआ है। सिमिलर बातें जो केस पे लिखी हुई हैं वही यहाँ पर फिर से बताई गई हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि तकरीबन 500 मेडल ये जीत चुकी है, और पीछे 3 मेडल अपने बता भी रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द मेडल स्कॉच, इनको मिला था एक मेडल 1888 लंदन में, दूसरा मिला था 1890 पेरिस में, और तीसरा मिला था 1886 एडिनबर्ग में। बाकी यहाँ पर सेम वही बात कि इसका नाम मोनार्क क्यों पड़ा, कुछ भी नया नहीं बताया गया है, कुछ भी नहीं बताया गया। चलिए बिना किसी विलंब के इसकी नोसिंग हो जाए, है ना। चलिए बॉटल को खोलते हैं। यहाँ पर ऊपर वही लिखा हुआ है, तीनों दो बेटे और एक पिताजी का नाम लिखा हुआ है। बॉटल करते हैं पोरिंग, पोरिंग की जाए।
शाबाश। जो रंग देखा जाए तो काफी ही बढ़िया है इसका, मतलब संभालनी चाहिए। नो सिंह, मिठास शेरी की, एकदम हल्के हल्के फ्रूट निकल के आ रहे हैं। एक फ्लोवर सा, एक फ्लोरल सा, एक फ्रेग्रेंस का प्रोफाइल है इसका। हिंट ऑफ स्पाइसेस और फ्रेश फ्रूट्स, एक हल्का सा वनीला और एक थोड़ा सा ओक। बहुत ही सुंदर नोस है इसका, लाजवाब। एक बटर स्कॉच का फील है, लग रहा है कि आप मिक्स फ्रूट जैम खा रहे हैं ब्रेड पे लगा के, वैसा ये लाइक फ्लेवर प्रोफाइल आ रहा है इसका, फ्रेग्रेंस का। बहुत ही सुंदर टेस्टिंग हो जाए। वाओ, स्वीट प्रोफाइल है इसका, नॉट ओवरली स्वीट बट है स्वीट प्रोफाइल है शेरिकास का। एक ओक निकल के आ रहा है, काफी छोटा फिनिश है यार, थोड़ा मोटा पैक पी के देखते हैं और क्या निकल रहा है। ओ वाओ, ऑरेंज का एक फ्लेवर, पेपरी स्पाइसी है यार थोड़ा। सिनेमन का टेस्ट है, स्वीटनेस का जो बैलेंस इन्होंने बना के रखा है ना स्पाइसेस के साथ, जबरदस्त है फिनिश। ऐसे मैं बता रहा था आपको, उतना लॉन्ग नहीं है, इट्स ऑन द ड्रायर साइड एंड या इट्स फेडिंग अवे क्वाइट क्विकली। ये जो ब्लेंड बनाया है, ये ब्लेंड बनाया है स्टीफनी मैकलॉयड ने, और वो 3 टाइम विनर रह चुकी हैं मास्टर ब्लेंडर के अवार्ड्स में, की कैटेगरी में। बहुत ही ताबड़तोड़ ब्लेंड बनाती है। 2010 में निकली थी ये विस्की और उनका ये पहला ब्लेंड था। छाई हुई है वो मार्केट में, ज़बरदस्त बनाती हैं ब्लेंड। बहुत ही बढ़िया ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है भाई, बहुत ही बढ़िया। वुड का, वनीला का, हनी का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ये। चलिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द बेस्ट विस्की टू स्टार्ट विद। ये इतनी प्रचलित इसलिए हुई क्योंकि 15 साल एज विस्की ये प्राइस रेंज में मिलना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से ये आगे भी बढ़ी। तो ये पीना किसको चाहिए? अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं स्कॉच ब्लेंड्स की तरफ, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। क्वाइट इक्विवेलेंट टू मंकी शोल्डर आई वुड से। उस वैसी नहीं है, बट अगर आपको इसको इंट्रोड्यूस करना है तो इससे भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉक थोड़ा गिर गया है नीचे, बॉटल के अंदर थोड़ा पुराना था। जरूर ट्राई कीजिएगा फॉर द प्राइस रेंज एज अ सिपिंग विस्की, राइट? इट्स ब्रिलियंट। अगर आपको खाने से पहले एक पैग लेना है या खाने के बाद एक पैग लेना है, तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए जमेगी। आप अपने कलेक्शन में, अपने कैबिनेट में इसको रख सकते हैं। बट एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि ये जो विस्की है, जब एक्सपर्ट्स इसका इवैल्यूएशन करते हैं तो काफ़ी बार ये विस्की हार जाती है 12 ईयर ब्लेंड के साथ। एक कॉम्पिटिशन रिसेंटली हुआ था जहाँ पर 12 ईयर की ब्लेंड आई थी नंबर 1, तो आप समझ सकते हैं कि बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है, बट उतनी नहीं कि जो इसकी पुराने ब्लेंड्स है उसको ये तोड़ सके, राइट? तो मैं ये पैक ख़त्म करता हूँ, आप इन्जॉय करिए। चीयर्स।